अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि क्या शरीयत में घर जमाई की इजाज़त है? भाई ने एक अच्छा सवाल किया, क्या शरीयत में घर जमाई की इजाज़त है? बल्कि मैं इस सवाल को ऐसा दोहराऊंगा कि एक साहब मुझसे एक बार कहने लगे कि शरीयत में घर जमाई की इजाज़त है इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम घर जमाई थे। मैंने कहा सुभान अल्लाह, कैसे कैसे लोग अपने मफाद के लिए पॉइंट्स निकाल के लाते हैं। कभी यह इस्तदलाल शरीयत के दूसरे नुकात में नहीं किया, नमाज, रोज़े, ज़कात, हज के फ़राइज़ और उसके मसाइल में कि कैसा निकालना। यहाँ बराबर अपना मफाद समझ में आ गया, मूसा अलैहिस्सलाम चूके है ना, तो बोले वो घर जमाई थे तो घर जमाई बनना जायज़ है। देखिए सबसे पहली चीज़, अगर कोई ससुर इतना बूढ़ा है, इतना अपाहिज है, इतना परेशान हाल है और वाकई में वो दामाद, उसके भी वालदैन जो है उसको का मतलब वो आकर उसके घर में रह सकता है जिससे उसकी मदद हो जाए, कुछ उसकी वो हो जाए, तो बहरहाल ये किया जा सकता है, इसमें हराम नहीं है। लेकिन इसका मतलब जो घर जवाई हमारे पास होता है उसका मतलब ये होता है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे ऊपर गिरा हुआ रहता हूँ, पालो मेरे को, रखो मेरे बच्चों को पालो, तुम्हारी बेटी को भी पालो, ये घर जमाई तो जायज़ नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कैसे घर जमाई थे मैं आपको बताता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने वतन को छोड़े हुए थे, एक नए वतन में आए थे। आप मिस्र को छोड़ के मदियान आए थे, ना सिर्फ ये शहर का फ़र्क था बल्कि मुल्क और तहजीब का फ़र्क था। मदियान में अरब थे और ज़ाहिर से मूसा अलैहिस्सलाम खप्ती जो है इलाके में रहे, गोये नस्लन जो है ये भी जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल थे, लेकिन बहरहाल खप्तियों में रहे, परवरिश वहाँ पाई, पूरा माहौल वहाँ का था, हत्ता कि ये इब्रानी ज़बान भी नहीं जानते थे, खप्ती ज़बान आती थी इनकी, फिरौन के पास पले थे ना। तो ना सिर्फ समाज का फ़र्क था, ज़बान का फ़र्क था, इलाके का फ़र्क था, पूरा मुल्क का फ़र्क था, तहजीब का फ़र्क था। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ आए तो वाकई बड़ा प्यारा है, बहरहाल थोड़ी तफसीलात रखते हुए आगे चलता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ से आके मदियान में रुके तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो वाक़े को बयान किया। निकाह के लिए बहुत अच्छी इसमें हिकमतें हैं, याद रखिए कुरान की वाक़ियात बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, इनसे बहुत हिकमतें, वालदैन के लिए बिलखुसूस नसीहत है इस वाक़े के अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो वाक़े में आता है कि जो है कुछ लोग थे जो बाद में आए अपनी बकरियों को लेकर और उन्होंने पहले पानी पिलाया, हालांकि कुछ औरतें खड़ी थी जिनकी बकरियाँ पहले आई लेकिन बाद में पानी पिया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हुए नहीं थे, होने वाले थे, लेकिन अंबिया सलीमुल फितरत होते हैं, नेक फितरत के होते हैं। आपने कहा ये जुल्म, लड़कियां पहले आई है, पानी उनकी बकरियां पिएंगे, ये लड़के कैसे पिलाते? जब आप गए तो उन चरवाहों ने जो है मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, ये तो हमारे इलाके का भी नहीं और हमको सिखा रहा है, आकर इंसाफ और फला लड़ पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर सी अल्लाह के नबी थे और अंबिया अलैहिस्सलाम बहुत मजबूत इंसान होते, मुकम्मल इंसान होते और बहुत ज़बरदस्त ताकत होती है। जब आए थे मिस्र से तब भी एक मुक्का मारा था तो एक आदमी मर गया था उनके मार से, सिर्फ एक आकर थोड़ी धक्का वो क्यों सबको मार के हकाल दिया, सब भाग गए निकल। उसमें से अल्लाह ने फरमाया कुरान में जो दो में से एक बड़ी थी, मतलब वो दो औरतें थी, दो में से एक बड़ी थी, और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से आए उन औरतों से कहा तुम पानी पिलाओ अपनी बकरियों को पहले, उनमें से एक ने कहा कि आप हमारे घर चलिए, हमारे वालिद बड़े बुजुर्ग हैं, इनके वालिद शोएब अलैहिस्सलाम थे, बड़े बुजुर्ग थे, बूढ़े हो चुके थे, ठीक जो बूढ़े हैं आप अगर वहाँ चले तो बेहतर है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो मैं तुम्हारे आगे पीछे तो नहीं चल सकता इसलिए कि तुम लड़कियाँ हो, मैं आगे चलता हूँ, तुम बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, वरना मैं पीछे चलूँगा तुम्हारा जिस्म मुझे दिखेगा, क्योंकि पर्दे के अहकाम नहीं थे। तो कहा ठीक मैं आगे चलता हूँ, आप पीछे चली, वो लड़कियाँ पीछे चलते रही, मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता बताई। जब घर गए तो कुरान ने उस बड़ी का कौल नकल किया और कहा उसने अपने बाप से कहा कि ये आदमी इन्नहु ख़वीयुन अमीन, ये आदमी बड़ा ताकतवर अमानतदार है। बस बाप ने उस खातून के उस एक लफ्ज़ से भाप लिया बेटी का इशारा किस तरफ है, ये लड़का बेहतर है, ये लड़का उसको कहीं ना कहीं भाग गया है, इन्नहु ख़वीयुन अमीन, ये लड़का बड़ा ताकतवर और अमानतदार है, ए वालिद इसको क्यों ना रख ले। तब उनके वालिद ने कहा कि तुम जो है चाहो तो मेरे पास यहाँ रहो, मेरे बकरियाँ चराओ इसलिए कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, और उसके साथ रहो, और चाहो तो फिर मेरी लड़कियों में से किसी एक से निकाह भी कर लो। तो यहाँ ये पता चला इस वाक़े से कि नौजवान लड़के लड़कियाँ अगर कोई इशारा करते हैं तो वालदैन इशारे को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि कहीं ना कहीं संजीदगी से लेके गलत है तो उसको बता दे, सही है तो उसमें आगे पहल कर सकते हैं कि तो उस लड़की का इशारा था खाली, इन्नहु ख़वीयुन अमीन, ये मर्द बड़ा ताकतवर और अमानतदार है। बाप ने भाप दिया इस बात को, ज़ाहिर सी बात है वो भी अल्लाह के नबी थे, मामूली इंसान थोड़ी थे, भाप दिया फ़ौरन लड़की की उस बात को और कह दिया मूसा अलैहिस्सलाम निकाह किया। लेकिन निकाह करने से पहले कहा मैं अपनी लड़की का निकाह तुम्हारे साथ करूँगा इस शर्त पे कि 8 साल मेरी बकरियाँ चराना पड़ेंगी तुमको। अभी घर जमा ही हुआ क्या? 8 साल बकरियाँ और 8 पे 2 साल चरा लो तो फिर ये तुम्हारे तरफ से समझो ये इजाफी बोनस रहेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल बकरियाँ चराई निकाह करने के लिए, दिया सर्विसेज दी, पैसा नहीं था ना, आप तो खलाश आए थे ना अपने मुल्क से भाग कर आए थे, सर्विसेज देना पड़ी ना उसके बदले में, 10 ईयर्स की सर्विसेज बाद निकाह हुआ तो ये क्या घर जमाई हुई? तो लोग कैसे अपने मफादात निकालते? तो बहरहाल अगर घर जमाई से मुराद ये है
कि एक ससुर जो बूढ़ा है, परेशान है, मिस्कीन है, और एक दामाद जो अपने घर से परेशान है या वहाँ नहीं रह सकता या दूसरे मुल्क में है और वहाँ निकाह करना चाहता है और फिर वहाँ रहकर उसकी मदद करके उसके मदद के बस कुछ लेता है तो जायज़ है। लेकिन घर दामाद से मुराद ये घर जवाई से जाके पड़ जाओ उसके आंख पे बेचारे बूढ़े आदमी के, बेटी को भी पाल उसके और उसको भी पाल रहा, बच्चों को भी पाल रहा, ये घर जवाई का सिस्टम जो गैर मुस्लिम हिंदुआना है ये शरीयत में कहीं भी जायज़ नहीं है। मर्द कमाने वाला है, ख़ुद कमाए, सिवाय मदद के तौर पर, हेल्प के तौर पर वो अगर रह ले या उसका ससुर उसके साथ रह ले तो इंशाल्लाह उसमें कोई हर्ज नहीं होगा।